जनपद औरैया के पांडे गेस्ट हाउस में क्वारंटाइन किए गए 40 मजदूरों ने आज क्वारंटाइन सेंटर से भागने की कोशिश की। मजदूरों के भागने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सीओ सिटी सुरेंद्रनाथ में पुलिस बल के साथ क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे। उन्होंने मजदूरों को वापस क्वारंटाइन सेंटर जाने के लिए कहा, लेकिन मजदूर मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद सदर विधायक मौके पर पहुंचे और उन्होंने मजदूरों को समझा बुझा कर आश्वासन दिया कि शाम को उन्हें बस से उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा। सदर विधायक के आश्वासन के बाद मजदूरों ने राहत की सांस ली और फिर क्वारंटाइन सेंटर आ गए। मजदूरों का कहना था, उनके लिए यहाँ पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, जिनके कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें 14 दिन कहकर क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन एक महीने से ऊपर हो गया, अब वो अपने घर जाना चाहते हैं। बाहर निकल गया यार, क्या समस्या है आपको? सुबह से है कि हम लोग को 14 दिन के लिए रखा गया था, आज हम लोग को 1 महीना 3 दिन हो गया। सुबह से हम लोग को नाश्ता पर जो है कि 25 ग्राम चना देकर के अभी 2 बज गया, अभी तक हम लोग को खाना नहीं मिला। लैट्रिन के लिए पानी नहीं है। विधायक साहब बोले हैं कि शाम को आप लोग के बस के पाई बस बाइया छोड़ा जाएगा आप लोग के झारखंड में। तो आप लोग किसके विश्वास पर जा रहे हैं? दोबारा विधायक साहब के विश्वास पर जा रहे हैं। विधायक साहब हम लोग के बोले कि आप लोग के झारखंड हम लोग बस द्वारा पहुंचाया जाएगा, शाम को आप लोग के बस द्वारा, शाम के बस पर हम लोग। प्रशासन की बात पर विश्वास है आपको कि नहीं है? विश्वास है विधायक साहब पर, विधायक साहब के विश्वास हम लोग साहब के बात पर विश्वास है, साहब के बात पर विश्वास नहीं रह गया, इसलिए विधायक साहब के बात हम लोग माने हैं। बता दें, ये सभी मजदूर अन्य प्रदेशों के हैं, जो एक महीने पहले यहाँ से गुजर रहे थे, तब प्रशासन ने इन सभी 40 मजदूरों को क्वारंटाइन किया था। वहीं सीओ सिटी ने बताया कि सभी मजदूरों को समझा बुझा कर वापस क्वारंटाइन सेंटर लाया गया है। शासन के द्वारा कोई आदेश न आने के कारण इनका क्वारंटाइन पीरियड बढ़ा दिया गया था। विभाग के उच्च अधिकारियों से बात हुई, जल्द ही इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। लोगों को अब इस समय वर्तमान में जो कोरोना की स्थिति है, संक्रमण को रोकथाम के लिए जो उपाय सुझाए गए थे उसी के तहत रखा गया था, लेकिन चूंकि ये लोग बिहार और झारखंड से हैं तो इस आशय का अभी तक निर्देश शासन से प्राप्त न होने की वजह से इनका क्वारंटाइन पीरियड बढ़ गया है। इसी वजह से इनके मन में थोड़ी सी गुस्से का भाव था कि हमें जल्द से जल्द इस यहाँ से छोड़ा जाए और अपने गंतव्य को भेजा जाए। तो हमने इन्हें आश्वासन दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय से और कप्तान साहिबा से वार्ता हो रही है, शासन से निर्गत जैसे ही निर्णय होते हैं कि तत्काल इनको भेजवाया जाएगा, क्योंकि अब ये लोग जो है अपना क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा कर चुके हैं और किसी भी तरीके की समस्या नहीं है। तो यही आश्वासन देकर के इनको समझाया बुझाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग अब खाना पीना खाना पेट भर नहीं मिलता ऐसा नहीं, इनको खाना ये बताया कि आज जो है लेट हो गया, वो कोई सिलेंडर खत्म होने की वजह से दिक्कत हुई थी, तो तत्काल उसको रिजॉल्व किया गया, खाना तैयार है। किसी भी तरीके का कोई भी प्रशासनिक या पुलिसकर्मी इनके साथ अभद्रता नहीं करेगा, न कर रहा है, ऐसी कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं आई है। हो सकता है कि इनको रोकने के लिए या कुछ कहने में थोड़ा सा लहजा टाइट हो गया होगा, उसकी भी हमने सबको बता दिया है कि इनके साथ सद्भावनापूर्वक व्यवहार किया जाए, किसी भी तरीके की अब समस्या नहीं है और वो लोग भी अब खुश हैं। ओके सर।